हम लोग मासूम लोग हैं। आप लोगों की मासूमियत मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाकर साबित करता हूँ। क्लिप? जी बिल्कुल। गंगोटे सर, इन सब की क्लिप दिखाओ। अभी लाए सर। देखिए देखिए, मजा आएगा। बाबूजी, कुशल और उसके हाथ में बच्चा। अरे ये सब तो शूटिंग में बहुत करते हैं हम। कोई नकली होगा, किसी का कहीं से कॉपी किया हुआ कुछ। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि तुमने ही किया। अरे तो मैं ही क्या कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ ये नकली होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बच्चा नहीं चुराया, सच में। पर इस क्लिप में तो तुम ही हो ना। हाँ, नहीं पता नहीं, लेकिन कसम से मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कल रात को क्या हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, सच में। कड़ी को कड़ी से मिलाना, अड़ियल मुजरिम को डंडे खिलाना और भूले हुए को सब कुछ याद दिलाना मुझे अच्छी तरह से आता है। तो सच बताओ, ये बच्चा किसका है? पता नहीं सर, हमें ये मिला और हम खुद इसे लेके पुलिस स्टेशन ही आ रहे थे ना, बस इतनी सी गलती थी हमारी। पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम यही कहता है मिस्टर लल्ला। हम तो पकड़े जाने के पहले भी यही कह रहे थे। तो तुम लोगों को नहीं पता कि ये बच्चा किसका? ठीक है, अभी पता करवा लेते हैं। गांगुटे सर, जरा उस बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लाना। इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर, अभी पता चल जाएगा। सर, FIR मिल गई। सर, बच्चे की फोटो भी है। मिल गया? अरे मिल गया। क्या एड्रेस लिखवाया गया है कंप्लेंट में? फ्लैट नंबर 2010, पाली हिल, बांद्रा वेस्ट। सुनी हुई है एड्रेस, कहीं की तो है, मैं जानता हूँ। अब तो एड्रेस भी मिल गया, अब माँ बाप भी मिल जाएंगे और वो खुद ही कह देंगे कि हमने बच्चा चुराया नहीं। अरे चुप, क्या अच्छा है बाबूजी, होश पे आइए, ये तो हमारे घर का एड्रेस है। करेक्ट। चुप। करेक्ट के बच्चे इतने डंडे पड़ेंगे ना, करेक्ट करेक्ट जगह पे, तब समझ में आएगा। तो बस बच्चा भी आप ही का हुआ ना। What? OMG राजीव सर, this is so disappointing. आपने जो किया सही नहीं किया। अगर आपको पता था कि बेबी आपका था, तो आपने क्यों नहीं बताया पहले? इतनी भागम भाग तो नहीं होती। Anyway, congratulations. Shut up. मेरा मतलब है, please shut up. मतलब चुप रहो। जाओ बैठ के चॉकलेट खाओ और सेल्फी खिंचाओ। देख लल्ला, सच सच बता दे, उस बच्चे के असली दादा हम ही है ना? अगर आप मेरे बाबूजी नहीं होते ना, तो बाबूजी मुझे तो लग रहा है आप ही उसके बाप हैं। अरे चुप, क्या बात कर रहे हो, बड़ा हो गया क्या? लेकिन लल्ला, जिसका बच्चा है उन्होंने हमारे घर का एड्रेस क्यों लिखवाया? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। एड्रेस तुम्हारे घर का, बच्चा भी तुम लोगों के पास से मिला है, लेकिन अभी भी तुम यही कह रहे हो कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरा एड्रेस किसने लिखवाया, क्यों लिखवाया, सब बाद में पता करता हूँ। अभी मान जाता हूँ कि बच्चे का बाप मैं ही हूँ, तभी इंस्पेक्टर हमें यहाँ से निकलने देगा, वरना मुहावरे सुना सुना के और डंडा दिखा दिखा के हमारी जान ही ले लेगा। सर, बच्चा मेरा ही है। लल्ला देखो तो, हमारा दिल कहता था कि ये बच्चे का बाप तू ही है, तेरे जैसा सिर्फ रोता नहीं है, तेरे जैसा चुप भी रहता है। लल्ला की अम्मा को बताऊंगा, कितनी खुश हो जाएगी, है ना? बाबूजी समझने की कोशिश कीजिए, एड्रेस हमारा है तो बच्चा भी हमारा ही हुआ ना। OMG राजीव सर, this is great news. वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे तो पहले से ही शक था, क्योंकि बेबी का फेस और आपका फेस थोड़ा थोड़ा मैचिंग है। Anyway, congratulations again. Thank you. सर, अब मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊं अपने परिवार के साथ। अच्छा, तो अब ये भी बताओ कि अपने बच्चे को लेकर तुम क्यों भाग रहे थे? 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 मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि क्यों भाग रहे थे? बाबूजी क्यों भाग रहे थे? बच्चा बंद पड़ गया था, गाड़ी की तबीयत खराब थी। मतलब बच्चे की तबीयत खराब थी, गाड़ी बंद पड़ गई थी, अब फिर हमें आप लोगों की गाड़ी दिखी और वही गाड़ी लेकर हम भाग गए। यही हुआ था, यही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। हाँ, ऐसे ही हुआ था सर। हाँ, मतलब अच्छा, ऐसा ही हुआ था। आधी रात को गाना गाना, दादा को कहना नाना, और अचानक से सब कुछ याद आ जाना, गड़बड़ है। सभी याद आया, सब एकदम से जेल की हवा देखकर वो खाकर। कोई बात नहीं, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसे? गंगोटे सर, जिसने कंप्लेंट फाइल करी है उसको फोन मिलाओ। ओके सर। लल्ला, तू अपने शो में इसे राइटर ले ही ले। सर, रिंग जा रही है। अब पता चल जाएगा बच्चे के असली माँ बाप कौन है। अच्छा, CCTV में कौन था आपका भूत? लेकिन ये सब हुआ कैसे है, और ये कौन है जिसको फोन कर रहे हैं? बात तो सही है जी। हेलो,
जी मैं इंस्पेक्टर राव बोल रहा हूँ, आपका बच्चा तो हमें मिल गया है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ, पूछे पूछे। मैम जो एड्रेस आपने कंप्लेंट में लिखवाया है, क्या वो आप ही का घर है? जी हाँ, मेरा ही घर है। लेकिन बच्चा जिन लोगों के पास मिला है उन लोगों का कहना है कि ये एड्रेस उन लोगों के घर का है। मिस्टर गुप्ता और राजीव की बात तो नहीं कर रहे? मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर राजीव। यस प्रेजेंट सर। हाजिर। ओह मिस्टर लल्ला। जी मैम उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। ओह तो बच्चा उनके पास था, मैं इतना डर गई थी। इंस्पेक्टर साहब वो मेरे ही परिवार के लोग हैं। आपके परिवार के लोग? परिवार के लोग? ठीक है मैम, बच्चा और आपके परिवार के लोग जल्दी ही आपके घर आ जाएंगे। गांगुड़े सर इन लोगों को छोड़ दो। जल्दी खुलिए ना सर। जल्दी 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 खोल। कितना अच्छा खुला आसमान। तुम वापस जाओ। और सुनो सीधा घर जाना, वहाँ बच्चे की माँ इंतजार कर रही है। जान बची लाखों पाए लौट के भुद्दू घर वापस आए। अरे देखो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उस औरत ने हमारे घर का एड्रेस क्यों दिया और पुलिस वाले को क्या बोला कि हमें छोड़ दिया उसने हमें। अरे हम बच गए ना बस, तू आम खाना गुटलिया क्यों गिन रहे हैं? क्या पर इस सीजन में आम नहीं होते सर? हाँ तो मैं सीजन में जाके लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, डोंट वरी। ओके व्हाट बाबूजी आप सुन रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ? उधर देख। हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? ओ, तो ये बच्चा तुम्हारा है? अरे यार ले लो जल्दी से ले लो अपने बच्चे को वापस, ये गाड़ी भी ले लो, थक गए थे यार। देखो दीदी मैं सच कह रहा हूँ, हम सबको बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये बच्चा हमारे पास कैसे आया। एक एक मिनट सुनिए बहन जी, वो सच बोल रहा है, ऐसा ही हुआ था। हम रात भर से भटक रहे हैं, हमें नहीं पता किसका बच्चा था, आपको मिल गया ना वो रात को। हाय राजेश, कहाँ मिली? एक मिनट, आप तो यहाँ कल पार्टी में थी ना? हाँ, मैं कामिनी गुप्ता। हाँ वही। अरे वाह, आप भी गुप्ता? हम भी गुप्ता। हाँ पता है मुझे आप गुप्ता हैं, इसीलिए तो मैं गुप्ता। ये गुप्ता है उससे आपका गुप्ता का क्या लेना देना? क्या छोड़ी वो, क्या बता सकती है कि ये बच्चा हमारे पास कैसे आया? हाँ यार ये बता दो जल्दी से प्लीज। ऑफ कोर्स बताऊंगी, आप तीनों अब मेरे घर आए थे। हम तीनों? मतलब यहाँ पार्टी के बाद आपके घर में कोई आफ्टर पार्टी थी? नहीं नहीं, वो शादी के बाद मुझे मेरे घर से मेरा सामान लेना था। शादी? किसकी शादी हुई थी? मेरी शादी। राइट। अब लेकिन आप तीनों मुझे वहाँ पे छोड़ के क्यों चले गए? और मुझे लेके जाने की बजाय और मेरी दीदी के बच्चे को उठा के लेके चले गए। मैंने बहुत इंतजार किया आप लोगों का, पर आप जब नहीं आए तो मुझे पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखवानी पड़ी। अब क्योंकि आप लोग परिवार का हिस्सा हैं, इस वजह से मैंने मिसिंग कंप्लेन लिखवाई, किडनैपिंग की नहीं, नहीं तो लंबी जेल होती आप लोगों को। मतलब जेल से बाहर आके मैं बहू नहीं सास का रोल करती? ओएमजी नो। यू डिजर्व इट। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं, आपने हम सबको बचा लिया। अच्छा कामिनी अब मैं चलती हूँ, जो भी सामान होगा भिजवा दूंगी, ठीक है? बाय दीदी। मेरा कमरा कहाँ है? आपका कमरा? कौन सा कमरा, कैसा कमरा? मेरी शादी हुई है ना, तो मेरा कमरा तो होगा ना यहाँ पे, आखिर मेरा घर है। मेरा घर? हाँ, मेरा घर। ओह एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है राजीव गुप्ता। लेकिन शादी के बाद मेरा घर भी तो हुआ ना। शादी कब हुई, कौन सी शादी? राजीव सर आपने? नहीं 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 सुनो, तभी हमें शक हो रहा था, तो कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाएगा। गुप्ता खानदान में दो दो शादियाँ, हम सोच भी नहीं सकते तू इतना विश्वासघात करेगा हमारे साथ। ओहो आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? छोड़िए ना, जाने दीजिए, बच्चा है। बच्चा बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, इसे तुम बच्चा कहती हो? अरे कितना बड़ा गच्चा दिया इसने हम सबको, तुम इसे बच्चा कहती हो? सोच अगर प्रिया होती तो क्या सोचती है? तूने नाक कटवा दी इस भोले भाले बाप की। अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी नाक नहीं कटी, आप ठीक हो बिल्कुल।
सुनो ना रहने दो, क्यों डांट रहे हो आप इनको? आखिरकार बच्चा है हमारा। हमारा? 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 हाँ। आपका बच्चा, मेरा बच्चा। पति है ना? ये तुम्हारे पति हैं? क्या? हम तुम्हारे पति हैं? हाँ। आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। आशीर्वाद भी नहीं देंगे अपनी पत्नी को? बाबूजी, दीजिए ना आशीर्वाद। लल्ला, अब तू मान है, हमारी पत्नी हम दोनों की बना देगी चटनी। तुम ये क्या कह रही हो? क्या कर रही हूँ? सच्ची तो कह रही हूँ, कल रात आपने मुझसे शादी की है। जी बड़े आशीर्वाद दे रहे हो ऐसे करके। हाँ, तभी मैं बोलूं कि कल रात को ये सीनियर शेर शेरवानी पहन के किसका शिकार करने निकला था। हाँ, शेरवानी भी पहनी थी। बाबूजी, मुझे पहले से ही शक था, आप कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएंगे रात को। और कर दी ना आपने, आज तक गुप्ता खानदान में एक इंसान की दो बीवियां नहीं हुई और आपने कटवा दी ना नाक अपने भोले भाले बेटे की, मिट्टी में मिला दिया सब कुछ। सोचिए अगर अम्मा यहाँ होती तो क्या कहती। लल्ला के बाबूजी, आपने हमारा भरोसा तोड़ा है। गंगा मैया की कसम खाकर कह रहे हैं, आज से क्या, अभी से आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ नहीं तो क्या? नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा कांड कर दिया और ऊपर से कह रहे नहीं, मेरे लिए दूसरी अम्मा ले आए। डोंट मम्मी, कॉल मी मम्मी। मम्मी? मम्मी? डैडी, डैडी, मम्मी। देखो बेटा। बेटा? देखो बेटी। बेटी? देखिए, कामिनी जी। कामिनी जी? अरे हम अब तुम्हें क्या कहें? पत्नी कहिए ना। पत्नी? हमारी हालत हो गई पतली। देखो, तुम्हें बहुत गलत फहमी हो गई है। तुम जैसी ताजमहल के साथ इस हवा महल की जोड़ी कैसी जुड़ेगी? जोड़ी जुड़ गई जी, ताजमहल और हवा महल अब एक हो गए। हमारी शादी हो गई, अब आप ही मेरे पति हैं। एक मिनट, एक मिनट। मम्मी, आपके पास सबूत क्या है कि आपकी इनसे शादी हुई? हाँ, सबूत क्या है इस बात? सबूत क्या है इस बात का? हाँ, सबूत? तुम्हें शर्म नहीं आती है? सबूत मांग रहे हो मुझसे, अपनी मम्मी से? हाँ मम्मी, मेरा मतलब हाँ, दो सबूत। ठीक है, सबूत चाहिए ना तुम्हें? ये लो सबूत। आपकी तो हो गई, सच में शादी कर ली। ये लो। क्या किया आपने बाबूजी? आपने तो शादी कर ली। अरे हमने जो किया सो किया, पर तुम क्या कर रहे थे? अपने बाप की शादी में डांस कर रहे थे, हमें रोका क्यों नहीं? अरे एक मिनट, तुम तो हमारे साथ पार्टी में थी ना, तो फिर ये शादी कब हुई? पार्टी में वो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। एक्चुअली मेरी दो बार शादी टूट चुकी है। हे भगवान, ये लड़की तो सीरियल शादी ब्रेकर है। तो मुझे वो सब याद आ रहा था और बहुत लो फील कर रही थी, तब इन्होंने मुझे कंधा दिया, मेरे टूटे हुए दिल को सहारा दिया। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, मुझे अपना है। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे? कंधा दे रहे इस बेचारी को, जिसका कोई नहीं इस दुनिया में, जिसे किसी ने अब तक अपनाया नहीं। बाबूजी, अब तो मैं कहूंगा, अब सच में महान है। वो तो हम है ही, बल्कि मैं तो कहूंगा मत छोड़ो। कोई नहीं है।
हाथ थाम सके। हम हैं जो तुम्हारा हाथ थाम सके। कोई नहीं है जो मुझसे शादी कर सके। हम करेंगे तुमसे शादी। हाँ मैं तो कहता हूँ कर लो आप शादी इससे, कर लो और फिर हेल्प भी कर देना इसकी। मतलब ये मेरी नई अम्मा, मैं इनका लल्ला। हेलो अम्मा। आप अभी बोल रहे हैं, कल मुकर जाएंगे। अरे हम गुप्ताज है, बनारस के गुप्ता। जो एक बार कमिटमेंट कर ले तो अपने बाप की भी नहीं सुनती। हम तुमसे शादी करेंगे, आज ही करेंगे, अभी इसी वक्त। I love you. याद है ना आपको? नहीं नहीं, मेरे बाबूजी ऐसा कर ही नहीं सकते, इन्होंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी कोई चाल है इसमें? तो क्या क्या ये जो फोटोज मैंने आप सबको दिखाई वो झूठ है? हो सकता है। हाँ हो सकता है। हो सकता है तो क्या जो मैंने कहा वो भी झूठ है? हो सकता है ना कुशल, हो सकता है। ठीक है, अगर ये हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है कि ये फोटोज मैं जाकर पुलिस को दिखा देती हूँ और उन्हें पता लगाने दो कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो कंप्लेन जो मैंने जानबूझकर मिसिंग की लिखवाई थी उसे हटाकर किडनैपिंग की लिखवा देती हूँ, फिर लंबी जेल होगी आप सबको। सुनिए ना। क्या? मुझे बताइए ना हमारा कमरा कहाँ है? आप जल्दी आइएगा। कोशिश करता। लल्ला तेरे बाप की इज्जत अब तेरे हाथ में। बाबूजी की इज्जत दाव पे लगी, अम्मा की सौतन घर आ चुकी है, अब ऐसे में लल्ला करे तो करे क्या? मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? और सबसे तो पूछ लिया, कामिनी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। अरे वो समीर का फोन नहीं लगा था ना, उसको दोबारा फोन करता हूँ। उठा ले प्लीज अब इस बार। हाँ राजीव, यार कहना पड़ेगा कल तो बढ़िया पार्टी थी, अभी मजा ही आ गया। अरे तेरे लिए मजा था लेकिन मेरे लिए सजा थी। क्या बात कर रहा है, मतलब क्या हुआ? अरे वो सब छोड़, मेरी बात सुन। तेरे को कामिनी याद है? कौन? अरे वो छोटी सी लड़की थी ना ब्लैक ड्रेस में। देख यार ये सही बात नहीं है, तू शादीशुदा है ना और पार्टी अपनी जगह है, लेकिन तू ऐसे किसी और लड़की के साथ, मतलब समझ रहा है ना मेरी बात? अबे जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है और जैसा है वैसा तू सोच भी नहीं सकता। देख ये सब छोड़, कामिनी के बारे में मुझे पता लगाना है जल्द से जल्द, प्लीज मेरी हेल्प कर, जैसे ही कुछ पता लगे मुझे फोन कर वापस। ओके चल ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ। कैसे होगा? अरे लल्ला क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ सच, क्या पता चला? यही कि आपके इस घर में दिन पूरे हुए। अरे डरे हुए क्यों, क्यों डरा रहा है? अरे डरे हुए का डरा नहीं रहा, मैं सच बता रहा हूँ। जब अम्मा को पता लगेगा ना। अरे अम्मा ने उसे मम्मी बोल कहा नहीं उसने, डोंट अम्मा मी। ओह मैं आपकी अम्मा की बात नहीं कर रहा, अपनी अम्मा की बात कर रहा हूँ। जब अम्मा शिरडी से आएंगे और उन्हें पता लगेगा ना कामिनी के बारे में, तब देखना आपका क्या हाल होने वाला है। अरे क्या करेगी वो अब? तेरी अम्मा का क्या बोल? अरे तू बात करो ना। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? हम बोल रहे। अरे हम कौन? हम तुम्हारे भी पति। हमारा भी पति? नहीं नहीं तुम्हारा ही पति। ये लड़की कौन थी? वही तो पता नहीं चल रहा है।